नमस्ते दोस्तों, देखते हैं छवि जी किस समस्या से जूझ रही हैं। पर्यावरण विज्ञान की विभिन्न गतिविधियों के लिए आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत होती है, लेकिन इसे बनाया कैसे जाए? आइए जाने कि छवि जी ने आखिर आवर्धक लेंस कैसे बनाया। ऐसा ही एक लेंस उन्होंने मिस्टर मैडम को कुछ साल पहले अपनी कक्षा 5 में बनवाते देखा था। इस गतिविधि का उद्देश्य है कम संसाधनों से आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास बनाना, बच्चों में बारीकी से अवलोकन करने का कौशल बढ़ाना, बच्चों को अपने खुद के वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये कक्षा 3 और उनसे बड़े छात्रों के लिए उपयुक्त है। इस गतिविधि के लिए आपको ज़रूरत होगी प्लास्टिक की पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट बोतल की, कैंची, मार्कर पेन, साफ पानी, सिरिंज, गोंद। सबसे पहले प्लास्टिक बोतल के ऊपरी भाग को काटें। ऊपरी भाग में 2 बराबर व्यास यानी डायमीटर के गोलाकार टुकड़े काटें। 2 भाग इस तरह चुनें कि एक भाग अवतल यानी कॉनकेव हो और एक भाग उत्तल यानी कॉन्वेक्स हो। स्क्रीन पर आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। अब दोनों भागों को गोंद की सहायता से चिपकाएं। दोनों भागों के बीच के छेद में सिरिंज की सहायता से साफ पानी भरें। आपका आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास तैयार है। इस आवर्धक लेंस का इस्तेमाल आप कक्षा में विभिन्न गतिविधियों के लिए कर सकते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की पत्तियों की संरचना देखना, बगीचे में पौधों और कीड़ों को नज़दीक से देखना, प्याज के छिलके को बारीक से देखना इत्यादि। चलिए, समय बीता जा रहा है, कुछ ही घंटों में होगा सवेरा और नए दिन की शुरुआत छवि जी करेंगी इस नए टूल से। अगर आपने भी ये नवाचार अपनी कक्षा में अपनाया है तो अपने अनुभव हमारे साथ नीचे कमेंट्स में बांटें।